उदाहरण, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? हम सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको बताया गया तापमान का पैमाना केल्विन पैमाना का कि माइनस उसका निम्नतम बिंदु 273, केल्विन पैमाना का उच्चतम बिंदु 373 माइनस केल्विन पैमाना का निम्नतम बिंदु 273 बराबर। इसे हमें बदलना है सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस पैमाने के ताप का पैमाने का संकेत C माइनस उसका निम्नतम बिंदु 0 बटे उसका उच्चतम बिंदु 100 माइनस उसका निम्नतम बिंदु 0। हल करेंगे K माइनस 273 बटे 373 में से 273 घटाएंगे 100 बराबर सी माइनस 0 सी 100 माइनस 0 100। 100 से भाग दे देंगे K माइनस 273 बराबर सी। मान रखेंगे केल्विन पैमाने में 0 के माइनस 273 बराबर सी माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर सी। 0 केल्विन अथवा ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है, यह न्यूनतम ताप होता है। सोचिए, यदि किसी पदार्थ का तापमान T है, क्या उस पदार्थ को दो बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा? इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की दो बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगुना हो जाएगा? आपस में चर्चा करें। 3.2 ऊष्मा हीट। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। थोड़े समय बाद दोनों बर्तनों में पानी का तापमान समान हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे। खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। जब दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। यह आपने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है? वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण क्या है? पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं में तब तक प्रवाह करता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था। कैलोरिक की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा मानना था। कैलोरिक का भ्रम कैसे टूटा? बेंजामिन थॉमसन 1753 से 1814, जिन्हें बाद में काउंट रमफोर्ड के नाम से भी जाना गया, एक जाने माने वैज्ञानिक व कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। उस समय तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाले संयंत्र लगी हुई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। इस खास किस्म के कटर्स को अश्व शक्ति से घुमाया जाता था। तोपों में छेद करते समय नली जल्द ही गर्म हो जाती थी। कैलोरिक के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नलियों में भरी कैलोरिक का तोपों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती थी। परंतु रमफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। उन्होंने कैलोरिक सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से किसी भी धातु से बिना उसमें बदलाव लाए
ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी से उनका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उन घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराग करने वाला यंत्र चलता है, यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। सन 1798 में उनका दावा था कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं हो सकती, बल्कि यह ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे। सन 1840 से 1850 में जूल के प्रयोगों से भी यही साबित हुआ। उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम जानते हैं कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है, जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा बढ़ाने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ऊष्मा घटाने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जबकि वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है। चर्चा करें, अपने शिक्षक से चर्चा करें कि किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडी क्यों लगती है। हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे।